हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पर TSC प्रिंटर की सेटिंग कहां से और कैसे करते हैं, और साथ में मैं आपको दो TSC के बेस्ट प्रिंटर बताऊंगा जो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। सबसे पहला है TSC का DA310। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा आपको, यह आपको 18,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। बट अगर आपको 3,000 या 4,000 आप रोज़ का प्रिंट करते हो तो ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट प्रिंटर है। ये 1 सेकंड के अंदर 4 पेज निकालता है और इसकी स्पीड बहुत अच्छी है और काफ़ी दिनों तक चलता है। मतलब मेरे को यूज़ करते हुए 5 से 6 साल हो गए, आज तक इसमें कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत अच्छा प्रिंटर है ये। अगर आप इतना हाई बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो ये दूसरा प्रिंटर है, ये है TSC का ही TE244। ये प्रिंटर आपको 10,000 के आसपास, 10 से 12,000 के आसपास मिल जाएगा। ये भी अच्छा प्रिंटर है, परफेक्ट इसकी वर्किंग है। बट इसमें आपको एक एडिशनल फीचर्स और मिल जाता है, इसमें आप थर्मल प्रिंटर और कार्बन प्रिंटर दोनों यूज़ कर सकते हैं, जो कि DA310 में नहीं है, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। TSC प्रिंटर की सेटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास जो भी प्रिंटर होगा हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमें आना है सबसे पहले मैनेज प्रोफाइल। मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ फ्रेंड। हमको आना है मैनेज प्रोफाइल पे। मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ आपको दिखेगा एक सेटिंग का ऑप्शन। इस पर आपको व्यू करना है। जैसे आप सेटिंग का ऑप्शन ओपन करोगे फ्रेंड, तो आपके सामने दिखाएगा प्रिंटर सेटिंग। अब प्रिंटर सेटिंग यहाँ दिखा अनेबल थर्मल प्रिंटिंग। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी प्रिंटर है तो आप उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, या आपके पास जो भी होगा आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के साथ ही आपको एक चीज़ का और रिक्वायरमेंट लगेगा। इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो है QGTray। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस सॉफ्टवेयर का नाम है QGTray। आपको ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपने जैसे ही ये QGTray का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, अब आपको आना है सबसे पहले यहाँ देखिए प्रिंटर सेटिंग दिखी है। प्रिंटर सेटिंग में सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा अनेबल थर्मल प्रिंटिंग। इस पर आप जैसे एडिट करोगे, एडिट करने के साथ ही आपके सामने 2 ऑप्शन होंगे यहाँ पे, नो डिसेबल थर्मल प्रिंटिंग एंड यस अनेबल थर्मल प्रिंटिंग। तो आपको क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो आपके सामने देखिए ये सारे ऑप्शन शो करने लग जाएंगे। अब ये दिखा रहा है शिपिंग लेवल। शिपिंग लेवल का फ्रेंड मतलब ये है कि आपका जो शिपिंग लेवल है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। ये शिपिंग लेवल है, इस शिपिंग लेवल में ये शिपिंग लेवल हो गया आपका इतना, और ये जो नीचे दिखा रहा है टैक्स इनवॉइस। शिपिंग लेवल में प्रिंट सिर्फ इतना ही आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ शिपिंग लेवल प्रिंट होगा, बाकी नीचे का टैक्स इनवॉइस आपका प्रिंट नहीं होगा, अगर आपके पास TSC प्रिंटर में आप प्रिंट कर रहे हैं तो। देखिए जैसे मैंने अनेबल थर्मल प्रिंटिंग पे अनेबल किया इसको, यह हमारे सामने दिखाने लग गया शिपिंग लेवल। अब देखिए यहाँ पे मुझे शो कर रहा है TSC TE244। ठीक है, मैं जैसे इस पे एडिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए जो भी मेरे पास लैपटॉप, जो भी प्रिंटर मेरे पास होगा वो यहाँ पे शो करेगा। मेरे पास जैसे 2 प्रिंटर है, मैंने दोनों प्रिंटर को इंस्टॉल कर रखा है, TSC DA310 एंड TSC TE244। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ से सिंपल सा मुझे आके अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है और सेव कर देना है। सेव कर दिया, सेव करते के साथ ही यहाँ मुझे अपना प्रिंटर दिखाने लगेगा और शो करने लगेगा DPI। ये आपको 203 और 300 दिखेगा, आप 300 पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब उसके नीचे देखिए मोर का ऑप्शन है। जैसे आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कस्टमर इनवॉइस। कस्टमर इनवॉइस पे आप एडिट करोगे, एडिट करके आपको यहाँ पे आप इनवॉइस किस तरीके से निकालना चाहते हो, आप चाहे आप अगर आप थर्मल प्रिंटर से ही इनवॉइस निकालना चाहते हो तो आपको यहाँ पर भी सेम वही प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं थर्मल प्रिंटर में प्रिंट ना निकाल के नॉर्मल HP का जो लैपटॉप है मेरे पास, मैं उस पर प्रिंट निकालूँ, तो आप यहाँ पर HP का लैपटॉप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। या आपके पास कोई एडिशनल लैप प्रिंटर है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप लेबल चिपकाने वाला लेबल तो सिर्फ निकालोगे एक नॉर्मल TSC में, बाकी आप
आप इनवॉइस तो नहीं निकालना चाहोगे ना, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, A4 शीट से कॉस्टली पड़ता है आपको ये। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो इनवॉइस देते ही नहीं है कस्टमर को, तो उस केस में आप यहाँ कोई सा भी प्रिंटर सेलेक्ट करके छोड़ सकते हो। अगर आपने दोनों जगह पर आपने वही प्रिंटर इंस्टॉल किया सेलेक्ट कर रखा है, तो आपका पहले एक लेवल निकलेगा शिपिंग का, फिर उसका जो नेक्स्ट लेवल निकलेगा वो निकलेगा कस्टमर इनवॉइस का। ठीक है, तो अभी ये हो गया। उसके बाद करना है सेलर बारकोड प्रिंटिंग। अगर आपको कोई बारकोड प्रिंट करना है फ्लिपकार्ट का, तो उस केस में आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर भी नो डिसेबल थर्मल प्रिंटिंग लिखा है, आप यहाँ पे यस कर सकते हो, बट मैं इसे नो ही रहने दूंगा क्योंकि मुझे इस तरीके का कोई भी प्रिंट नहीं करना है। जैसे आप ये नॉर्मल ये सेटिंग कर लोगे, इतनी सेटिंग आपको करनी है, सेटिंग को करने के बाद आप जैसे ही अपने ऑर्डर को शिप करोगे ना, और आपने QGTray डाउनलोड किया, तो आपको डायरेक्ट आपका सीधा आपका प्रिंट निकल जाएगा, आपको कोई भी इशू नहीं होगा। 3x3x5 का जो भी फ्लिपकार्ट का शिपिंग लेवल है, उस पर ईजिली आपका प्रिंट होके आ जाएगा। तो दोनों ही प्रिंटर मैंने आपको बताया है, दोनों ही प्रिंटर को परचेज़ करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसे कहाँ से डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। और ये QGTray जिसे जिसे इंस्टॉल करना ज़रूरी है, आप इसे इंस्टॉल कर लोगे तो आपके ही बेनिफिट के लिए रहेगा, और मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इन सब चीज़ों को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।